सो लास्ट टाइम जो हम लोगों ने चैप्टर नंबर 6 टिश्यू में किया था, वही टॉक को हम लोग आगे ले जाते हैं, वही बात को हम लोग आगे ले जाते हैं. एंड यस, हम लोगों ने काफी सारी चीजें डिस्कस कर ली है एंड वी आर ऑन द वर्ज ऑफ कंप्लीटिंग दिस चैप्टर. ओके, सो थोड़ा आप ध्यान से करिएगा, जो भी मैं इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आपको मार्क करा रहा हूँ वो आप नोट कर दीजिएगा, तो आपका काम थोड़ा इजी हो जाएगा. ओके, सो जस्ट मैं यस आई थिंक ट्रांसपिरेशन वाला पार्ट कंप्लीट हो गया था एंड वी वर ऑन डिस्कसिंग जाइलम एंड फ्लोएम. ओके, तो ये चीज हम लोग प्लांट सेल में कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू में हम लोग बात कर रहे थे, एपिडर्मिल ऑफ द सेल, ये सब चीजें हम लोगों ने बात कर ली थी. आई थिंक सो, यस. ठीक, तो ये टॉपिक जो हमारा बाकी है कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू से, वो हम लोग आज डिस्कस करने वाले हैं. ओके, तो क्या दिया हुआ है, द डिफरेंट टाइप ऑफ टिश्यू वी हैव डिस्कस्ड अंटिल नाउ ऑल आर मेड अप ऑफ वन टाइप ऑफ सेल. तो सिंपल परमानेंट टिश्यू में हम लोगों ने क्या देखा था कि सारे जो टिश्यू है ये परमानेंट टिश्यू की हम लोग बात कर रहे हैं. अभी तक चैप्टर में हम लोगों ने क्या बात की है स्टूडेंट, की दो टाइप के टिश्यू होते हैं. एक होते हैं मेरिस्टमेटिक टिश्यू. मेरिस्टमेटिक टिश्यू क्या होता है, कंटिन्यूअसली डिवाइड होता है. कंटिन्यूअसली डिवाइड होते हैं तो वो एक टाइप की सेल्स बनाएंगे, एक टाइप के टिश्यू वो लोग फॉर्म करेंगे. उसमें हम लोगों ने सिंपल परमानेंट तो बात कर दी हुई है. आज जो हम लोग बात करने जा रहे हैं वो कॉम्प्लेक्स परमानेंट में बात करने जा रहे हैं. सिंपल परमानेंट में भी हम लोगों ने क्या बात की है स्टूडेंट, कि सिंपल परमानेंट में भी एक टाइप के सेल्स बनते हैं. लेकिन आज जो हम लोग बात करने जा रहे हैं दैट इज अबाउट द कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू. The different type of tissue we have discussed until now are made up of one type of cells. एक ही type के cells से बने हुए हैं, which look like each other. Such tissue are called simple permanent tissue. Okay? यहाँ पे जो भी type के tissue हम लोगों ने पहले बात की, जहाँ पे एक ही type के cells बनेंगे, एक ही type के cells दिखेंगे tissue के अंदर, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, simple permanent tissue बोलेंगे. Okay? Yet another type of permanent tissue is a complex tissue. इसके अलावा एक और होता है जिसको हम लोग complex tissue बोलते हैं. Complex tissue are made up of more than one type of cell. Complex tissue किससे बना हुआ होता है, more than one type of cell. तो that is number one point कि complex permanent tissue क्या होता है. ये एक से ज्यादा सेल से बना हुआ होता है. ऑल दिस सेल कोऑर्डिनेट टू फॉर्म अ कॉमन फंक्शन. इनका फंक्शन कॉमन होता है, लेकिन इनकी बनावट जो होती है, इनका दिखने का जो शेप होता है, वो अलग अलग होता है. जाइलम एंड फ्लोएम आर बोथ द एग्जांपल ऑफ दिस कॉम्प्लेक्स टिश्यू. ओके, तो अगर आपको एग्जाम्पल देना हो प्लांट के अंदर कौन से दो टाइप के टिश्यू है, तो जाइलम एंड फ्लोएम, they are both conducting tissue and constitute the vascular bundle. Okay, ये दोनों ही conducting tissue है, इन दोनों का काम भी एक जैसा ही है, लेकिन इन दोनों की बनावट जो है वो अलग अलग है. Okay, vascular tissue. तो vascular tissue क्या है, तो it is a distinctive feature of the complex plant. One has made possible their survival in the terrestrial environment. In figure 6.3 showing the section of the stem, can you see the different types of cell of the vascular bundle? तो ये यहाँ पे आपको दिया हुआ है, देखिए ये एक वेसल्स, ये स्टेम के अंदर आप देख पा रहे होंगे कि ये वेसल्स किस तरह से बने हुए हैं. ठीक है, ये आप मैं इसको थोड़ा अंडरलाइन कर लूं. ये स्टेम ऑफ द प्लांट दिया हुआ है. फिर ट्रेकियाइड्स किस तरह से होता है, ये सब कनेक्टिव टिश्यू है, लेकिन इन सबका शेप देखिए आप तो अलग अलग होगा. ओके, फिर ये जाइलम पैरेन्काइमा जो है वो किस तरह से बना हुआ होता है, तो ये सारे के सारे जो है वो कंडक्टिव टिश्यू है, लेकिन ये सबकी बनावट क्या है, अलग अलग है. ओके, तो ये आपको क्लियर हो जाना चाहिए कि कॉम्प्लेक्स टिश्यू मतलब क्या है, कि इनकी शेप जो होगा वो अलग अलग होगा, लेकिन फंक्शन जो होगा वो कहीं ना कहीं कॉमन होगा. ओके, तो जाइलम कंसिस्ट ऑफ द ट्रेकियाइड्स, वेसल्स, जाइलम पैरेन्काइमा, जाइलम फाइबर्स. ओके, ये सब जाइलम से बना हुआ, जाइलम के अंदर ये पार्ट्स होते हैं. ट्रेकियाइड्स आ गया, वेसल्स आ गया, जाइलम पैरेन्काइमा एंड जाइलम फाइबर्स. Tracheids and vessels have thick walls and many are the dead when mature. Okay, तो tracheid और vessel की यहाँ पे बात की हुई है कि ये mature होते हैं तो बहुत ज़्यादा, जब ये mature होते हैं तो tracheid और vessels most of them are dead cells. Okay, ये dead cells होते हैं. Okay, तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है कि dead cells, जब भी हम लोग dead cells के बारे में बात करेंगे तो dead cells क्या करते हैं कि plant को वो stiffness देते हैं, plant को वो firmness देते हैं. Okay, tracheids and vessels are the tubular structure. This allow them to transport the water and minerals vertically. Okay, तो tracheid और vessels का यहाँ पे क्या काम है? तो यहाँ पे transport of the water and mineral भेजने का, ऊपर भेजने का काम है. The parenchyma stores the food. Parenchyma का काम क्या है? Food store करने का. And xylem are mostly the supportive function. Xylem का काम क्या है? यहाँ पे वो support देता है. Phloem is made up of 5 type of cells: sieve cells, sieve tubes, companion cell, phloem fibers and phloem parenchyma.
सिर्फ ट्यूब्स आर द ट्यूबुलर सेल्स विद परफोरेटेड सेल्स, ये इतना याद करने की जरूरत नहीं है। फ्लोएम के अंदर क्या क्या आता है, तो सिव सेल, सिव ट्यूब, कंपेनियन सेल, फ्लोएम फाइबर्स एंड फ्लोएम पैरेन्काइमा, ये पांच चीजें आती है। सिव सेल, सिव ट्यूब, कंपेनियन सेल्स, फ्लोएम फाइबर्स एंड फ्लोएम पैरेन्काइमा। ओके, तो ये आपको याद रखना है। फ्लोएम ट्रांसपोर्ट द फूड फ्रॉम लीव्स टू अदर पार्ट ऑफ द प्लांट। फ्लोएम का काम क्या है, खाना, फूड जो है, फूड मटेरियल, वो एक एक जगह से दूसरी जगह प्लांट में पहुंचाना। जाइलम का काम क्या होता है, पानी ट्रांसपोर्ट करना। तो ये आप याद रखिए, जाइलम का काम होता है पानी ट्रांसपोर्ट करना, जबकि फ्लोएम का काम होता है खाना ट्रांसपोर्ट करना। ओके, एक्सेप्ट द फ्लोएम फाइबर्स, फ्लोएम सेल्स आर द लिविंग सेल्स। तो ये हम लोगों ने बात कर ली। नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे एनिमल टिश्यू की। तो व्हेन वी ब्रीथ वी कैन एक्चुअली फील द मूवमेंट ऑफ द चेस्ट। How do the body parts move? For this, there is a specialized cells called a muscle cells. अब हम लोग एनिमल, ये प्लांट की बात हो गई, अब हम लोग एनिमल टिश्यू के अंदर आ जाते हैं। ओके, तो जब हम लोग ब्रीथ करते हैं तो वी कैन फील दैट आवर चेस्ट इज मूविंग। ओके, फॉर दिस वी हैव द स्पेशलाइज सेल्स कॉल्ड अ मसल सेल्स। ये काम अंदर कौन करता है, तो मसल सेल्स ये अंदर काम करते हैं। द कॉन्ट्रेक्शन इन द रिलेक्शन ऑफ द सेल्स कैन रिजल्ट इन द मूवमेंट। ओके, तो ये मसल सेल्स जो होते हैं वो कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स करते हैं। इसके कारण हमको क्या है, हमको मसल सेल्स के मूवमेंट से हमको अंदर का जो प्रोसेस है वो सब कैरी ऑन हो सकता है। ओके, सो यहाँ पे हम लोग आगे बात करेंगे इसमें। ड्यूरिंग ब्रीदिंग वी इनहेल ऑक्सीजन। जब हम लोग ब्रीथ करते हैं तो हम लोग ऑक्सीजन लेते हैं। वेयर डज दिस ऑक्सीजन गो, ये ऑक्सीजन जाता कहाँ पे है, तो ये ऑक्सीजन जो है वो लंग्स में जाता है, और लंग्स के बाद ये ऑक्सीजन जो है वो हर एक पार्ट ऑफ द बॉडी तक पहुंचता है। ओके, तो हमारे सेल में एक माइटोकॉन्ड्रिया होता है जो हम लोगों ने पहले भी बात कर ली है। तो ब्लड फ्लोज एंड कैरीज द वेरियस सब्सटेंसेस फ्रॉम वन पार्ट ऑफ द बॉडी टू अदर। फॉर एग्जांपल, इफ द कैरीज द ऑक्सीजन एंड फूड टू ऑल द सेल, इट ऑल्सो कलेक्ट्स द वेस्ट फ्रॉम ऑल द पार्ट ऑफ द बॉडी एंड कैरीज टू द लीवर एंड द किडनी ऑफ द डिस्पोजल। यहाँ पे क्या बोला हुआ है, स्टूडेंट समझने की कोशिश कीजिए। यहाँ पे ये बोला हुआ है कि जब हम लोग ऑक्सीजन लेते हैं तो हम लोग एक्चुअली में क्या करते हैं कि ऑक्सीजन जो है वो हमारे सेल तक पहुंचता है। पहले तो वो लंग्स में जाता है, वो लंग्स के बाद हर एक पार्ट ऑफ द बॉडी तक पहुंचता है। हर एक पार्ट ऑफ द बॉडी मतलब क्या, हर एक सेल तक पहुंचता है। जब वो सेल तक पहुंचता है तो सेल का एक पार्ट होता है माइटोकॉन्ड्रिया, वहां तक भी वो पहुंचता है। ओके, और माइटोकॉन्ड्रिया में क्या होता है आपको पता है, वो इट इज कॉल्ड द पावर हाउस ऑफ द सेल। और वो पावर हाउस तभी कहला पाएगा जब उसको ऑक्सीजन मिलेगा, वो उसकी जो एनर्जी है वो वहां पे स्टोर कर पाएगा। ओके, इसके लिए हम लोग उसको पावर हाउस बोलते हैं। ओके, इसी तरह से अलग अलग काम हमारे बॉडी में होते हैं। जैसे कि यहाँ पे ट्रांसपोर्टेशन का काम क्या हुआ, जैसे उसमें हम लोगों ने प्लांट में बात किया था, तो जाइलम एंड फ्लोएम की हम लोगों ने बात की थी, राइट स्टूडेंट। तो जाइलम एंड फ्लोएम में क्या था कि पानी ट्रांसपोर्ट होता है, फूड ट्रांसपोर्ट होता है, फ्लोएम करता है, और पानी जो है वो जाइलम करता है। हमारे यहाँ पे अभी हम लोगों ने लंग्स की बात की। ओके, ये मसल सेल्स जो है वो क्या करते हैं कि दे कलेक्ट द ऑक्सीजन, दे इनहेल व्हेन वी इनहेल। ओके, तो ऑक्सीजन इज स्टोर इन द लंग्स, और लंग्स के कारण वो बाद में सारे पार्ट में चला जाता है। तो ये हम लोगों ने किसकी बात की है, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ द ऑक्सीजन कहाँ पे होता है, दिस ट्रांसपोर्टेशन ये हमारे बॉडी के अंदर होता है। उसी तरह से अलग अलग ट्रांसपोर्टेशन की बात होती है। कभी कभी वेस्ट मटेरियल जो हमारे बॉडी में होता है वो सारा का सारा कलेक्ट हो जाता है, वो कहाँ पे चला जाता है, इट गोज टू द किडनी, इट गोज टू अ लीवर। तो दिस ऑल द प्रोसेस, जो भी हम लोग अभी प्रोसेस की बात करें, ये सारी की प्रोसेस हमारे बॉडी में होती है। इवन जो हमारा हार्ट है वो भी ट्रांसपोर्टेशन का कहीं ना कहीं काम करता है। ओके, ब्लड एंड द मसल्स, ओके, ये दोनों को कोऑर्डिनेट करता है हमारा हार्ट। ओके, तो जो हार्ट है वो ब्लड पहुंचाने का काम करता है हर एक मसल्स तक, हर एक पार्ट ऑफ द बॉडी तक, कलेक्ट करने का काम भी हार्ट करता है। तो ये पंपिंग का जो काम है वो भी कोई ना कोई सेल करते होंगे हमारे बॉडी के अंदर। सो ब्लड एंड द मसल्स आर बोथ एग्जांपल ऑफ द टिश्यू फाउंड इन आवर बॉडी। ऑन द बेसिस ऑफ द फंक्शन दे परफॉर्म वी कैन थिंक ऑफ द डिफरेंट टाइप ऑफ एनिमल टिश्यू सच एज। तो कौन कौन सा एनिमल टिश्यू है, तो आपको मेन टाइप ऑफ एनिमल टिश्यू याद रखने हैं। जैसे प्लांट्स के अंदर हम लोगों ने देखा सिंपल परमानेंट टिश्यू, कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू। सिंपल परमानेंट में भी बहुत सारे एग्जांपल थे, पैरेन्काइमा, एरेन्काइमा, क्लोरेन्काइमा, कॉलेन्काइमा। तो इसमें हम कौन से टिश्यू एनिमल टिश्यू के अंदर देखेंगे हम लोग, तो एपिथेलियल टिश्यू, कनेक्टिव टिश्यू, मस्क्यूलर टिश्यू एंड नर्वस टिश्यू। ओके, सो ब्लड इज अ टाइप ऑफ द कनेक्टिव टिश्यू एंड मसल फॉर्म अ मस्क्यूलर टिश्यू। तो मसल जो है वो मस्क्यूलर टिश्यू है और ब्लड जो है वो कनेक्टिव टिश्यू है, क्योंकि वो कनेक्ट करता है। नेक्स्ट हम लोग एपिथेलियल टिश्यू की बात करते हैं। द कवरिंग ऑफ द प्रोटेक्टिव टिश्यू, इसमें जो जो मैं आपको बोलूँ वही आपको याद करना है। द कवरिंग ऑफ द प्रोटेक्टिव टिश्यू इन द एनिमल आर कॉल्ड द एपिथेलियल टिश्यू। एपिथेलियम कवर्स द मोस्ट ऑर्गन्स एंड द कैविटीज विद इन द बॉडी। इट ऑल्सो फॉर्म्स द बैरियर टू कीप द डिफरेंट बॉडी सिस्टम सेपरेट। ओके, तो एपिथेलियल क्या करता है कि अलग अलग पार्ट को सेपरेट, जैसे यहाँ पे आपको एक एग्जाम्पल दिया हुआ है, द स्किन, द लाइनिंग ऑफ द माउथ, द लाइनिंग ऑफ द ब्लड वेसल, लंग, एवियोली
एंड द किडनी ट्यूबल्स आर ऑल मेड अप ऑफ द एपिथेलियल टिश्यू, ये सारी की सारी चीजें जो है वो एपिथेलियल टिश्यू है. तो ये लेयर जो है वो डिफरेंट रखता है, लेयर को कनेक्ट होने नहीं देता है. ओके, एपिथेलियल टिश्यू सेल्स आर टाइटली पैक्ड एंड फॉर्म अ कंटिन्यूअस शीट. They have only a small amount of a cementing material between them and almost no intercellular spaces. इसके बीच में स्पेस नहीं रहता है, ये पैक्ड फॉर्म में रहता है. Obviously, and anything that is entering or leaving the body must cross at least one layer of the epithelium. अगर कोई भी मटेरियल को पास होना है तो एपिथेलियम से पास होना पड़ेगा उसको पहले. As a result, the permeability of the cell of the various epithelia play an important role in regulating the exchange of the material between the body and the external environment and also between the different parts of the body. Regardless of the type, all the epithelium is usually separated from the underlying tissue of an extracellular fibrous basement material membrane. Different epithelia show differing structures that correlate with their unique function. For example, in the cell of the lining blood vessel or lung alveoli, where the transportation of the substance occurs, through a selective permeable membrane, there is a simple flat kind of epithelium. This is called a simple squamous epithelium. तो यहाँ पे एक squamous epithelium का example दिया हुआ है. That means squama means scale. तो देखिए, ये अलग-अलग type के epithelium हैं. कोई-कोई square shape में होते हैं. आप देख सकते हैं ये square shape में बनाया हुआ है. तो इसको squamous बोलेंगे. ये एक layer form में बना हुआ है. तो इसको stratified बोलेंगे. Stratified squamous बोलेंगे. कभी कभी क्यूबॉइड बनेगा तो क्यूबॉइडल हम लोग इसको बोल सकते हैं. कभी कभी कॉलम्स बनेगी, ये आप देख सकते हैं. दिस इज अ कॉलम. ओके, ये कॉलम है तो इसको हम लोग कॉलमनर भी बोल सकते हैं. तो ये अलग अलग टाइप के एपिथेलियल टिश्यू बन सकते हैं. सिंपल स्क्वेमिनस एपिथेलियल सेल्स आर एक्सट्रीमली थिन एंड फ्लैट. सिंपल स्क्वेमिनस एपिथेलियल टिश्यू आर एक्सट्रीमली थिन एंड फ्लैट एंड फॉर्म अ डेलिकेट लाइनिंग. तो ये सबके बारे में इन्फॉर्मेशन दी हुई है. I just mark it as a important. जो जो मैं important आपको mark कर रहा हूँ वही आप just go through करोगे तो भी चलेगा. अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है तो I again repeat, क्या थोड़ा rewind करके वापस से देखोगे, दो तीन बार इस वीडियो को देखोगे तो आपको समझ में आ जाएगा. Okay, the oesophagus and the lining of the mouth are also covered with the squamous epithelium. हमारा जो oesophagus है वो भी किससे कवर होता है, epithelium tissue से. Okay, the skin which protects the body is also from the squamous epithelium. हमारी जो skin है वो भी squamous epithelium से है. Skin epithelial cells are arranged in many layers to wear to prevent the wear and tear. Okay, तो skin जो है वो wear and tear prevent करती है, फटने से बचाने के लिए भी ये अलग अलग layers arrange होते हैं skin के अंदर भी, वो भी epithelial tissue से ही बने हुए होते हैं. Since they are arranged in a pattern of the layers, the epithelium is called the stratified squamous epithelium. Kabhi-kabhi ye squamous jo cell hai, okay, wo ek layers bana dete. It forms a layer after layer. To wo kya ho jate hain? Stratified squamous epithelium. Okay, where the absorption and secretion occur as the lining of the intestine, tall epithelial cells are present. This columnar epithelium facilitates the movement across the epithelial barrier. In the respiratory tract, the columnar epithelium tissue also has a cilia which has a hair-like projection on the move, and the movement pushes the mucus forward to clear it. ये इतना important नहीं है. Cuboidal epithelium पे हम लोग आ जाते हैं. Cuboidal epithelium, which is cube-shaped, form a lining of a kidney tubules and duct of the salivary glands, where it provides the mechanical support. Epithelial cells often acquired the additional specialization of the gland cells, which can secrete the substance at the epithelial surface. Sometimes a portion of the epithelial tissue found folds inwards and a multicellular gland is formed. This is called a glandular epithelium. Okay? तो यहाँ पे cuboidal epithelium की जब हम लोग बात करते हैं तो cuboidal मतलब क्यूब जैसा दिखता है, तो ये किडनी में होता है. Generally it is found in the kidney. Okay? और उसके अलावा epithelial tissue का fold होता है, तो जिसको जैसे कि squamous में अगर folding होती है तो हम लोग उसको stratified बोलते हैं. Cuboidal अगर फोल्डिंग होगी तो ग्लैंडुलर एपिथेलियम उसको बोलेंगे. ओके, नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं कनेक्टिव टिश्यू की. तो ब्लड इज अ टाइप ऑफ अ कनेक्टिव टिश्यू. ब्लड क्या है? एक कनेक्टिव टिश्यू है. व्हाई वुड बी इट कॉल्ड अ कनेक्टिव टिश्यू? अ क्ल्यू इज प्रोवाइडेड इन द इंट्रोडक्शन ऑफ दिस चैप्टर. वो आप देख लेना जाके एक बार. द सेल ऑफ द कनेक्टिव टिश्यू आर लूजली स्पेस्ड एंड एम्बेडेड इन अ इंटरसेल्युलर मैट्रिक्स. द मैट्रिक्स मे बी अ जेली लाइक मटेरियल व्हिच कैन बी अ डेंस और इट कैन बी अ फ्लूइड. ओके, तो कनेक्टिव टिश्यू यानी ये फ्लूइड जैसा होता है जो डेंस भी हो सकता है, फ्लूइड जो है वो रिजिड भी हो सकता है. ओके, जेली लाइक भी हो सकता है. तो ब्लड जो है वो एक कनेक्टिव टिश्यू है जो हम लोगों ने आगे भी डिस्कस कर लिया. तो ब्लड हैज अ फ्लूइड लाइक मैट्रिक्स कॉल्ड अ प्लाज्मा. ओके, तो ब्लड जो फ्लूइड है उसको हम लोग प्लाज्मा बोलते हैं. अब वो प्लाज्मा जो है उसमें आरबीसीज, रेड ब्लड कॉर्पल्स, व्हाइट ब्लड कॉर्पल्स, प्लेटलेट्स वो भी आए होते हैं.
The plasma contains the protein, salts and a hormone. Blood flows and transports the gases, digested food, hormones and waste material to the different parts of the body. Okay, bone is also a type of the connective tissue. It forms a framework that supports the body. Okay, so bone jo hai ye bhi ek type ka connective tissue hai. Ye bhi kya provide karta hai? Strength provide karta hai, connective tissue hai ye type ka. It also anchors and muscles and supports the main organ of the body. It is strong and non-flexible tissue. Okay, ye strong or non-flexible hai. Bone cells are embedded in a hard matrix that is composed of the calcium and phosphorus compound. Okay, so bone jo hai wo kis chiz se bana hua hai? Calcium or phosphorus se bana hua hai. Two bones can be connected to each other by a connective tissue called a ligament. Okay, ये दो bone को अगर connect रहना है तो उसके लिए एक और connective tissue है जिसको soft tissue हम लोग बोलते हैं connect और वो उसको हम लोग नाम दिया हुआ है ligament. This tissue is very elastic. It has considerable strength. Ligament contain a very little matrix and connect the bones with the with another bone. तो एक bone को दूसरे bone से connect करना है, especially in the joint area, तो उसमें ligament आया होता है, वो jelly like substance होता है, okay? And very elastic substance, okay? It is very elastic substance. Tendons connect the muscle to the bones and are another type of the connective tissue. Tendons are fibrous tissue with a great strength but limited flexibility. Another type of the connective tissue is cartilage, which has widely spaced cells. The solid matrix is composed of the protein and sugar. तो cartilage जो है वो protein और sugar का बना हुआ होता है. Cartilage smoothens the bone surfaces at joints and is also present in the nose, ear, trachea and larynx. We can fold the cartilage of the ears, but we cannot bend the bones in our arms. Think of the two tissue are different. Okay, तो ये अलग अलग connective tissue अलग अलग type के होते हैं. जैसे ears के अंदर जो cartilage है, उसको आप fold कर सकते हो. लेकिन उसको अब जो बोन्स है उसको आप फोल्ड नहीं कर सकते. तो अलग अलग टाइप के कनेक्टिव टिश्यू है, उनका उनका जो कंपोजिशन है वो भी समवॉट अलग अलग है, फंक्शन जो है वो भी अलग अलग है. ओके, कमिंग टू द थर्ड पॉइंट, द मस्कुलर टिश्यू. सो अ मस्कुलर टिश्यू, द मस्कुलर टिश्यू कंसिस्ट ऑफ द एलोंगेटेड सेल्स विच आर ऑल्सो कॉल्ड द मसल फाइबर. दिस टिश्यू is responsible for the movement in our body. Okay, ये tissue हमारे body में जितनी भी movements होती है तो उसके लिए muscular tissue important होता है. Muscle contain the special proteins which are called the contractile proteins which contract and relent the cause of the movement. तो कोई भी movement होता है उसको movement करना, contract करना और relax करना, ये muscle tissue का काम होता है. We can move some muscles by conscious will. Muscle can be present in our limbs, move when we want to. We can stop, so we decide. जब हमको चलना होता है तब हम लोग चलते हैं, जब हमको हाथ हिलाना होता है तब हम लोग हाथ हिलाते हैं. इसलिए muscles को हम लोग voluntary muscles भी बोलते हैं, which is also called as a voluntary muscles. These muscles are also called the skeletal muscles, as they are mostly attached to the bones with the help of the body movement. Under the microscope, these muscles show the alternate light and dark bands or the striations when strained approximately. As a result, they are also called the striated muscles. इसको कभी-कभी हम लोग striated muscles भी बोलते हैं. The cells of this tissue are long, cylindrical, unbranched, and multinucleate. The movement of the food in the alimentary canal or the contraction and dilation of the blood vessels involuntary movements. Okay, are involuntary movements. कोई-कोई functions जो होते हैं वो हमारे कहने पे नहीं होते. For an example, blood अपने आप blood vessels में transport होता है, तो वो भी muscle कराते हैं, लेकिन वो आपको सोचना नहीं पड़ता. आप hand हिला सकते हो, आप leg move कर सकते हो. तो वो वॉलेंट्री है, आप जो चीज कर सकते हो वो वॉलेंट्री है, लेकिन जो चीज आपके सोचे समझे बिना हो जाती है दैट इज कॉल्ड इनवॉलेंट्री. ओके, सो वो इनवॉलेंट्री फंक्शन हो जाते हैं. देयर आर आल्सो फाइंड इन द आइरिस ऑफ द आई, इन द यूट्रियस, इन द ब्रोंचियाई ऑफ द लंग्स. द सेल ऑफ दिस आर पॉइंटेड एंड स्पिंडल शेप एंड यूनिन्यूक्लिएटेड. ओके, तो ये स्पिंडल शेप के होते हैं. इसके सेल्स जो होते हैं वो लॉन्ग होते हैं, आप जैसे यहाँ पे देख सकते हैं. द मसल ऑफ द हार्ट शो द रिदमेटिक कॉन्ट्रेक्शन एंड रिलैक्सेशन and this relaxation and throughout the life. These involuntary muscles are called the cardiac muscles. So heart mein jo muscles hote hain usko hum log cardiac muscles bolte hain, aur ye kya karte hain, rhythmic contraction and relaxation karte hain. Heart muscle cells are cylindrical, branched and uninucleate. Okay, next nervous tissue. Ab hum log naye topic pe aa jate hain, that is called the nervous tissue. All the cell possess the ability to respond to the stimuli. However, the cells of the nervous tissue are highly specialized for being stimulated and transmitting the stimulus very rapidly from one place to another place of the body. So, brain
और स्पाइनल कॉर्ड का जो कोऑर्डिनेशन होता है वो ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड का कोऑर्डिनेशन इज परफॉर्म बाय नर्वस टिश्यू. वो कौन परफॉर्म करता है? इट इज परफॉर्म बाय नर्वस टिश्यू. ओके, तो ये यहाँ पे दिया हुआ है द ब्रेन स्पाइनल कॉर्ड एंड नर्व्स आर कंपोज्ड ऑफ द नर्वस टिश्यू. हमारा ब्रेन भी स्पाइनल कॉर्ड भी और जितनी भी नर्व्स आते हैं वो नर्वस टिश्यू से बने हुए हैं. द सेल्स ऑफ दिस टिश्यू आर कॉल्ड द नर्व सेल्स और न्यूरॉन्स. इसको हम लोग क्या बोलते हैं? इट इज कॉल्ड द नर्व सेल्स और इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज अ न्यूरॉन. अ न्यूरॉन कंसिस्ट ऑफ द सेल बॉडी ओके विद अ न्यूक्लियस एंड साइटोप्लाज्म फॉर विच लॉन्ग थिन हेयर लाइक पार्ट्स अराइजेस. यूजुअली Each neuron has a single long part which is all called the axon. Okay, तो ये आप देख सकते हो सेंटर में जो है वो न्यूक्लियस है. ओके, आजू बाजू में जो आपको दिख रहा है दे आर द फाइबर्स. सम वन ऑफ देम इज अ लॉन्ग फाइबर. ओके, दिस इज कॉल्ड एन एक्सॉन एंड द शॉर्ट फाइबर दिस आर कॉल्ड द डेंड्राइट्स. ओके, सो देर आर लॉन्ग एंड शॉर्ट फाइबर्स. सम आर कॉल्ड द डेंड्राइट्स एंड द लॉन्ग फाइबर इज कॉल्ड द एक्सॉन. ओके, इन द सेंटर वी हैव द न्यूक्लियस, राइट? सो यहाँ पे वही चीज के बारे में बात दी हुई है. द सिग्नल दैट पासिस अलोंग द फाइबर इज कॉल्ड द नर्व इम्पल्स. जो सिग्नल पास होता है थ्रू द डेंड्राइट एंड इट पासिस थ्रू द एक्सॉन उसको हम लोग नर्व इम्पल्स बोलते हैं. द नर्व इम्पल्स अलाउ अस टू मूव अवर मसल्स व्हेन वी वांट टू. तो नर्व इम्पल्स के कारण ही जो सिग्नल है वो मिलता है कि हमको हमारे मसल्स हटाने हैं कि नहीं हटाने. The functional combination of nerve and the muscle cells is fundamental to most of the animal. This is the combination enable animals to move rapidly in the response to the stimuli. External environment में कुछ भी change होता है. For an example, के मान लो आप सुबह उठते ही आपका हाथ जो है वो भूल से बाजू में गरम चाय रखी हुई है, आपका हाथ आपकी उंगलियां भूल से वो हॉट टी में चला जाता है, तो आप तुरंत ही अपना हाथ हटा लोगे, आपको सोचना नहीं पड़ेगा उसके लिए. द रीजन वाई क्या? वो सिग्नल जो है वो अपने आप रिस्पॉन्स होते हैं और आपका जो मसल है वो कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स हो जाता है. तो मसल्स एंड ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड आपस में कोऑर्डिनेट करके आपके ऑर्गन को डैमेज होने से बचा लेते हैं. इवन कुछ भी एकदम से आता है तो आप अपनी आंखें क्यों बंद कर देते हो? एकदम से कुछ मान लीजिए बॉल आया आपके एकदम से आपके ऊपर आया, ओके, किसी ने शॉट मारा आपके आंखों के तरफ बॉल आया, तो आप अपने आंख को बचा लोगे, मुंह को बचाओगे, तो ये क्या होता है? ब्रेन आप उसमें सोचते नहीं, क्योंकि नर्व सेल जो है वो फटाफट सिग्नल भेजता है और वो मूवमेंट करवा देता है. इससे आपका आपके टिश्यू को और आपके मसल को डैमेज होने से बच जाता है. सो दिस इज ऑल अबाउट द चैप्टर दैट वी हैव स्टडीड. ये हमारा थर्ड पार्ट था आई थिंक सो फॉर दिस लेक्चर एंड वी हैव कंप्लीटेड दिस चैप्टर. होप आप लोगों को थोड़ा बहुत ये चैप्टर में समझ में आया होगा. वेदर हम लोग फिजिकली जब मिलेंगे तब आपको इसको मैं पूरा आपको डिटेल में समझाने की कोशिश करूंगा विद सम वीडियोस एज वेल. बट अभी हमारे पास टाइम है कि आप इसको गो थ्रू करो, समझने की कोशिश करो. इंपॉर्टेंट जो भी मैंने हाईलाइट कराया हुआ है उसको कहीं पे लिख लो. ओके, सो दैट